वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आपका कोर्स पूरी तरीके से 5 के 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए, जिसमें कि हम 10 ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप जब कोर्स को पूरा डिटेल में अगर आप कवर करते हैं, तो लाइक जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी आपने कवर करा, उसमें आपने मीन भी पढ़ा, मीडियन भी पढ़ा, मोड भी पढ़ा, स्क्यूनेस भी पढ़ा आपने, कर्टेसिस भी पढ़ा आपने, डिस्पर्जन भी पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा आपने, क्वार्टाइल डेविएशन भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इतना सारा सिलेबस को कवर करने के बाद माइंड में क्वेश्चन रह जाता है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो उसी के आंसर के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपके अगर इस यूनिट में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे पूछा जाएगा, उसको कैसे करना है आपको। तो ऑलरेडी मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद फिर बात आई थी सर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उसकी आज लास्ट क्लास है, वो भी काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लासेस से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, मुझे प्रोबेबिलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बट वो हम नेक्स्ट क्लासेस पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लासेस में रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की लास्ट क्लास है। इक्वेशन गिवन होते हैं, उस पर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट इस टाइप का एक डिफरेंट क्वेश्चन था, ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखते हैं बच्चे, रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास में यहां पर गिवन है। एक आपके पास में 8x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 66, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन आपके पास में 10x माइनस 4.5y इक्वल्स टू 53.5। दो इक्वेशन गिवन है रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होते हैं, बेसिकली कोरिलेशन में आपने समझा था कि दो ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं। तो एक वेरिएबल जो डिपेंडेड है तो उसको जैसे लाइक एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल है, अगर एक्स वाई पे डिपेंडेड है तो हम बोलेंगे एक्स ऑन वाई, अगर वाई एक्स पे डिपेंड है तो हम बोलेंगे वाई ऑन एक्स। तो एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरा वेरिएबल जो है रिएक्ट करता है, तो जो रिएक्ट करता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हमने अच्छे से उनके बीच के रिलेशंस को समझने के लिए कोरिलेशन पढ़ा। बट हमें एस्टिमेशन लेने के लिए इन फ्यूचर में कि एक अगर ऐसा चेंज हो गया तो दूसरे में फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन हमने समझा था। और उस क्वेश्चन को करने के बाद आज की क्लासेस में आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और कुछ क्वेश्चंस इस पे आपसे पूछ रहे हैं। पहला बोला है मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चे मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर आपसे कभी भी पूछ ले और दो क्वेश्चन आपके पास में, दो इक्वेशन आपके पास में गिवन हो, तो सिंपल है, इसमें बस आप इसको एक्स और वाई के लिए आप इसको सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को। आपको याद होगा 10th क्लास में भी आपने एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, जस्ट आपको वैसे ही निकालना है। मतलब क्या है इसका कि आपका एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे 10 है, ऊपर वाई का कोफिशिएंट 10 है, नीचे 4.5 है। तो किसी भी एक वेरिएबल का आप उसके कोफिशिएंट को सेम करिए पहले, अब वो आपके ऊपर, आप वाई के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं या एक्स के, वो आप पे डिपेंड, आप किसी का भी कर सकते हैं, इससे आपके आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब बच्चे यहाँ पर आप देखें लाइक मैं एक्स का सेम कर रहा हूँ, तो एक तो तरीका आपके पास में बच्चे ये है क्या कि आप 10 को यहाँ दे दें, करते थे ना, और 8 को हम यहाँ दे दें, या फिर आप एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो 40 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40 हो जाएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता, बट कोई बात नहीं, जो आप तक आज ने सीखा उसी से चलते हैं हम आगे। 10 यहाँ दे दिया हमने, 8 यहाँ दे दिया, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, तो ये हमारे पास में आ गया 80x माइनस 10y माइनस 100y माइनस 100y इक्वल्स टू माइनस 660। नीचे हमारे पास में आ गया बच्चे 80x माइनस, सॉल्व करेंगे इसको तो 40 4 32 और 4 36 36, क्लियर है बच्चे। और y इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में, हमारा कैलकुलेटर इसका यूज़ करते हैं, 53.5 मल्टीप्लाई बाय 8 428। अब आपका जो कोफिशिएंट सेम हुआ उनके साइन भी आपके डिफरेंट होने चाहिए बच्चे, साइन सेम है तो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, बट पूरे इक्वेशन का चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ऐसा करने पे आपके इक्वेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता और एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया आपका, और आपके पास में यहाँ पर आया बच्चे 64y और आपके पास में ये आया माइनस का, सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, तो आपके पास में बच्चे 428 प्लस
660 1088, ये आपके पास पे है माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड वाई इक्वल्स टू 1088 अपॉन 64, सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 64 तो आपके पास में 17 आया। तो बच्चे ये क्या हुआ, ये मीन ऑफ वाई, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो मीन वैल्यू ऑफ वाई आ गया आपके पास में, मीन वैल्यू ऑफ वाई। अब आप यहां देखेंगे आगे एक्स की वैल्यू निकालते हैं आप बच्चे, तो आपके पास में अब एक किसी भी इक्वेशन को आप ले लें, किसी को भी ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, आप उसमें बस एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो सॉल्व करते हैं, 80x और x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अभी नहीं है हमारे पास में, 80x माइनस 100 एंड y की वैल्यू है 17 इक्वल्स टू माइनस 660 एंड 80x इक्वल्स टू माइनस 660 माइनस 660 प्लस 1700। आगे आप सॉल्व करेंगे, 80x इक्वल्स टू 1700 माइनस 660 1040 एंड x इक्वल्स टू 1040 अपॉन 80 डिवाइडेड बाय 80, तो ये रिजल्ट आपका आया x इक्वल्स टू 13। तो ये क्या है, मीन वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बच्चे लास्ट में निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ता है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, थर्ड निकाल लेते हैं। r इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, एक आप अपने इक्वेशन देखें, आपके पास में एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 8x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 66। इसको लेट कर लो आप, लेट y ऑन x, ठीक है बच्चे, तो y ऑन x, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 66 माइनस 8x एंड माइनस का साइन ट्रांसफर करूंगा तो 10y इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा, ये 66 प्लस 8x एंड y इक्वल्स टू 66 अपॉन 10 इसके भी नीचे आएगा और 8x बाय 10 इसके नीचे भी आएगा, क्लियर है बच्चे, एंड y इक्वल्स टू 33/5 प्लस 4/5x। अब बच्चे यहाँ पर जो आपके पास में जो x का जो कोफिशिएंट है, दिस वन, इसको बोलेंगे बी वाई एक्स इक्वल्स टू 4/5, क्लियर है। आगे इसी तरीके से आप नेक्स्ट इक्वेशन को आप कैच कीजिए, एक इक्वेशन लिखें आप 10x माइनस 4.5y इक्वल्स टू 53.5, लेट करना है आपने इसको वो x ऑन y, तो x ऑन y, x डिपेंड कर रहा है y पे, तो x की वैल्यू निकालेंगे आप, 10x इक्वल्स टू 53.5 प्लस 4.5y एंड x इक्वल्स टू 53.5/10 एंड प्लस 4.5y अपॉन 10 एंड सॉल्व आप करेंगे इसको, x इक्वल्स टू सिंप्लीफाई आप कर दें 53.5 डिवाइडेड बाय 10, 5.35 एंड प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/2 वाई। चेक करते हैं कि हमने जो अजम्पशन है वो सही है हमारा गलत है, इसको चेक भी करना होता है बच्चे। तो ये मेरे पास में यहाँ पर देखो जरा, बी एक्स वाई क्या आया मेरे पास में 1/2, तो आपके पास में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, तब आपका अजम्पशन सही है। तो बी एक्स वाई क्या है 1/2 इंटू 4/5 एंड 4/10 जो कि लेस देन 1 है, तो हमारा अजम्पशन ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आर की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स
एंड आर इक्वल्स टू हमारे पास में वन बाय टू इंटू फोर बाय फाइव। क्लियर है बच्चे? तो अंडर रूट टू बाय फाइव। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब आपको फाइंड क्या करना है, ये मेरे पास में आर आ गए, थर्ड का आंसर आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, आपको फाइंड करना है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सेकंड। आर के बाद ही निकाल सकते हो आप इसको, एंड आर इक्वल्स टू सॉरी बी वाई एक्स इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एंड बी वाई एक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 2 बाय ये 0.6 है आपका, सॉल्व करेंगे आर इक्वल्स टू 0.6 जीरो पॉइंट बी वाई एक्स, बी वाई एक्स क्या है आपका, बी वाई एक्स 4/5 फोर बाय फाइव इक्वल्स टू 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या हमारे पास में, देखिए कुछ तो दिया होगा हमारे पास में, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 है, क्या समझिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, वेरिएंस ऑफ एक्स यही तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो इसका रूट कर देंगे तो 3 हो गया। तो हमारे पास में बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें कैलकुलेट करना है, और ये मेरे पास में आगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3। सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ पर, तो हमारे पास में बच्चे 4 बाय 5 इंटू 3 अपॉन 0.6 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 बाय 5 इंटू 0.6 5 इंटू 0.6 3 इक्वल्स टू स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई, एंड स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 4। तो स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई क्या आया हमारे पास में बच्चे, 4 आया। तो आपका सेकंड का भी आंसर आ गया, क्लियर है, दिस वन एंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर क्या है 0.6, इसका स्क्वायर 0.36, ये इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बच्चा स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन करके जाता है कि दो आपके पास में एक्स और वाई वेरिएबल हो, उससे आपको निकालना है। वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं नहीं कह रहा वो नहीं आता, ऑलरेडी उसका डिस्कशन बहुत हुआ है कोर्स में, बट कोर्स में जो कुछ एक और चीज़ें की कमी थी उसको पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। हाँ जी बच्चों, तो अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हेलो, ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में और एक नए यूनिट के साथ में, उससे रिलेटेड भी 7 से 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एग्जाम का आइडिया हो जाएगा।